All right. So this topic that we're going to do today is about density. What happens when you put things inside fluid? Okay. So these topics were deleted in the COVID years because this is a little complicated, but it has been brought back. So अभी हम इसको धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि तुम्हें समझ में भी आए और तुम्हें इस टॉपिक से डर ना लगे. ठीक है. उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम इंटरक्टिव, यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम आस्किंग, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फील फ्री टू आस्क मी. आज अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे. ठीक है. तो कोई भी चीज, तुम्हें कोई और आइडिया भी आता है, कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे बोलो, वील डू मोर डिस्कशन. दैट वे विल बिकम यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक. ओके, लेट गौरी ऑल्सो ज्वाइन इन. इसलिए टाइम पे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है यार, हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है. गौरी आर यू देयर? आश्मी बी ऑन वीडियो, डोंट लीव द वीडियो, नोबडी लीव द वीडियो, एंड डोंट मेक मी डेड अगेन. या सर हैंग हो रहा है. हैंग हो रहा है, ठीक है, फाइन, बंद करो वीडियो. बड़ी इंटरनेट के इश्यू सॉल्व करके रखूंगा. आपका वीडियो पूरा ब्लैक हो गया. मैं स्क्रीनशॉट भेजते हूँ ग्रुप पे. नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है, तुम अपना वीडियो ऑफ करो, लेकिन बाद में अपना इंटरनेट सही करो. गौरी वर्मा बी ऑन वीडियो. गौरी चलेगा. तो स्विमिंग पूल में कौन कौन गया है? ऑलमोस्ट सभी लोग है. तो जब तुम स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुमको तुम्हारी बॉडी लाइटर लगती है कि हैवियर लगती है? लाइटर. लाइटर लगती है, राइट? पर ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारा मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, है ना, मास चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन हमको हैवी या लाइट लगता है वेट के कारण, मास के कारण नहीं लगता. वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी. हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, एमजी. लेकिन अगर वहां पे हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में और वहां पे हमको हल्का लग रहा है, इसका मतलब वहां पे हमारा वेट कम हो रहा है, राइट? तो वेट क्यों कम होता है, क्या कारण इसका, ये हम पढ़ेंगे. एक और कॉन्सेप्ट होता है फ्री फॉल का. फ्री फॉल क्या होता है? कि अगर मैंने बॉल को ऐसे फेंका और बॉल गिर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर मूव कर रहा है वो नीचे की तरफ, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल है. फ्रीली गिर रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है ना गिरने से, है कि नहीं? वैसे अगर तुम जंप करते हो कहीं पे भी तो तुम फ्री फॉल पे होते हो, राइट, जिसमें डर भी लगता है. वो जो सारे रोलर कोस्टर होते हैं, कुछ होते हैं, वो फ्री फॉल जब कराते हो तुमको डर लगता है ना? बिकॉज yes, yes. जनरल अपनी लाइफ में हम फ्री फॉल नहीं करते, राइट? तुम्हें से किसी ने वर्चुअल रियलिटी किया क्या? वीआर किया? मेरे घर पे वो सेटअप है, कभी हम ऑफलाइन क्लास करेंगे तो मे बी आई विल ब्रिंग दैट सेटअप एंड वी विल डू दैट, वेयर यू एक्चुअली फील लाइक यू आर फॉलिंग फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग एंड यू गेट दैट फियर. मैंने वो रोलर कोस्टर वाला किया है. हाँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत फियर होगा. तो ये सारा फियर जो होता है फ्री फॉल के आसपास क्रिएट करते हैं, है ना? तो फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल हैपेंस व्हेन यू आर फॉलिंग फ्रीली. अब फॉलिंग फ्रीली मतलब कितने एक्सीलरेशन से गिर रहे होगे? 9.8, है ना? तो 9.8, तो दैट इज वॉट फ्री फॉल इज. वो भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सिलेबस में. और एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का. डेंसिटी तुमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितना सारा मास. इतने वॉल्यूम में अगर 5 kg है, या इतने वॉल्यूम में 2 kg है, या इतने वॉल्यूम में 100 g है, तो उससे हमको पता चलेगा कि भाई एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में कितना मास है उसके पास. वेट नहीं, मास, राइट? सो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी.
और किसका डेंसिटी ज्यादा होगा मुझे बताओ. ये कप है, ये कप का डेंसिटी अभी ज्यादा है कि इसमें पानी भर दूंगा तो ज्यादा होगा? पानी भर दूंगा तो, क्योंकि पानी अगर मैं भर दूंगा तो भी इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, वॉल्यूम तो इतना ही है, लेकिन उसमें और मास डाल दिया हम, है ना. तो इसलिए कप को अगर मैं पानी में ऐसी डालूंगा अभी तो तैरेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन इसमें पानी भर देंगे तो ये डूब जाएगा. वो तुमने देखा होगा अपने मग के साथ, है ना, बाल्टी और मग, तो ऐसे मग तैर रहा होता है लेकिन उसमें पानी भर दो तो नीचे डूब जाता है, राइट. अगर तुम स्विम करते हो तो अगर तुम अपने अंदर एयर भर लेते हो लंग्स में तो तुम ऊपर रहोगे पानी में, क्योंकि तुम्हारी डेंसिटी कम है अभी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारी बॉडी का उतना ही है, लेकिन अगर हमने एयर भर लिया वहां पे, राइट, तो एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ा लिया तुमने थोड़ा सा, एयर भर के बढ़ा लिया, तो अब वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन मास उतना ही है. और जैसे हम एयर छोड़ देते हैं हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, मास उतना ही है. तो किस केस में डेंसिटी ज्यादा हुई, जब एयर भरा था तब या जब एयर निकाल दिया तब? राइट. सो लेट्स डू सम सिमुलेशंस एंड ट्राई टू सी, एक्चुअली लेट्स डू सम केसेस एंड ट्राई टू सी. Just set it up. ओके, सो अब देखो कुछ फॉर्मूले हमने अभी देखे कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक फॉर्मूला हुआ. दूसरा फॉर्मूला हुआ डेंसिटी. डेंसिटी को हम दिखाते हैं रो से, ये सिंबल है डेंसिटी का, इसको बोलते हैं RHO, रो, ठीक है. रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. M is mass, V is volume, ठीक है. Yes sir. तो ये दो फॉर्मूले हमने किए. अभी जो भी नोट्स हम बना रहे हैं उनको तुम्हें नोट अच्छे से नोट्स बनाने और ये सबमिट करना है PDF क्लास के बाद, ठीक है. तो अभी अच्छे से बनाओ मल्टीपल कलर्स के साथ अच्छे से, ठीक है. तो ये हो गया डेंसिटी. टॉपिक का नाम है डेंसिटी. तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर. हाँ, मुझे चैट पे बताना था बट चलो सब लोग बता दिया अभी. तो एम हो गया केजी और इसका वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, है ना. तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, या जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. तो ये हो गया. ओके, इसको नोट कर लो अच्छे से. ठीक है,
डन। एक और यस सर, एक और क्वांटिटी है जिसको तुम्हें जानना है, उसका नाम है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है जितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय जितने एरिया में लगाया, ठीक है। तो एफ इज फोर्स और थ्रस्ट, इसको कहते हैं थ्रस्ट भी, फोर्स और थ्रस्ट एक ही चीज होती है। और ए इज एरिया इन विच फोर्स इज अप्लाइड, ओके। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सब लोग मुझे चैट पे लिख के बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। मैं यहां फॉर्मूले से बताऊं, सर प्रेशर का ना, हाँ प्रेशर का फॉर्मूले से बताओ कितना होगा। एवरीबडी पुट इट ऑन चैट। विभा करेक्ट, सिया करेक्ट, जयदीप करेक्ट, अलीजा फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से। एवरीबडी, श्रुति करेक्ट, जयाद करेक्ट, रीति करेक्ट, अलीजा करेक्ट, रोहन करेक्ट। 8 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड, बाकी लोग 4 और पेंडिंग है अभी। बिलाबोंग, सुहानी करेक्ट, आश्मी करेक्ट, 2 लोग और पेंडिंग है। कुशाग्र, समय 1 मिनट में आते हो। सर कैन यू रिपीट? क्या रिपीट करूं भाई? द क्वेश्चन। तो अभी तक क्या कर रहे थे? वेट करते हो क्या तुम्हारा नाम बुलाने का? इतनी देर से पूछ रहा हूं ना मैं कि एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का फॉर्मूले से बताओ देख के। सो गौरी, फोर्स का तो तुमने बता दिया, एरिया का क्या है? Be more attentive, Kushagra. Kushagra, unmute yourself. Yes, sir. Force ka unit kya hai? Sir, N, Newton. Aur area ka unit kya hai? Meter square. Meter square. To प्रेशर का यूनिट क्या होगा? यूनिट दिखाने के लिए ऐसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब हो गया पी का यूनिट इज इक्वल टू एफ का यूनिट अपॉन ए का यूनिट, है ना। एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन। ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो पी का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज 1 पास्कल, 1 पीए विच इज ऑल्सो पास्कल, ठीक है। नोट कर लो उसको। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है उसका यूनिट। हो गया? आगे बढ़े? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब देखो अब यहां से थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक चालू होता है, ठीक है। सपोज ये पानी है, ये पानी, अब ये पानी
यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा उसके एंड में, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये पानी है, इसकी डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट कितना, ठीक है, और हमको निकालना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना है। प्रेशर, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, उससे पहले थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अगर ये मैं इसके ऊपर पूरा फोर्स लगा रहा हूँ तो कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है, इतने एरिया पे, यहाँ पे लगाऊंगा फोर्स तो सिर्फ इतने एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, फर्स्ट कि सेकंड, सेकंड। तो इसका मतलब मैं इस पे ऐसे कड़ा रहा हूँ, इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा दर्द होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर भी कम लगेगा, राइट, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी तरफ से आवाज आ रही है, विभा तुम्हारी तरफ से, ओके, सो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई नेल, कोई कीला है उसको दीवार पे हम ठोक रहे हैं, तो उसका जो एंडिंग वाला पोर्शन है वो बहुत शार्प होता है, क्यों, क्योंकि उसके एरिया कम कर दिया हमने, फिर जब हमने फोर्स लगाया हैमर से तो बहुत कम एरिया में लगा तो प्रेशर बढ़ गया तो अंदर चला जाएगा उसमें, राइट, गेट इट। बलून है फॉर एग्जाम्पल, बलून को हमने पूरे अपने हाथ से पकड़ा, सेम फोर्स लगाया लेकिन पूरे एरिया में लगाया तो उसको प्रेशर कम पड़ा, लेकिन अगर पिन से उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो फट जाता है बलून, क्यों, क्योंकि एरिया बहुत कम कर दिया हमने तो प्रेशर बढ़ गया, राइट। तुम्हारा फीट है, फीट तुम्हारे फीट के ऊपर तुम खड़े हो पा रहे हो, है ना, लेकिन सिर्फ टो के ऊपर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, वेट तो एरिया कम है, एरिया कम है तो टो टूट जाएगा, है ना। जब तुम बैठते हो तो अगर तुम बहुत ही शार्प जगह पे बैठोगे तो तुमको बहुत पेन होगा, इसलिए तुम्हारा जो चेयर होता है पूरा पूरी एरिया तुमको ज्यादा एरिया दे रहा हो, राइट, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। और क्या, कार्स, तुमने कार का देखा होगा, कार के टायर होते हैं, ज्यादा भारी कार होती है, लंबी कार होती है तो उसके टायर भी थोड़े और ब्रॉड होते हैं, है ना, क्योंकि एरिया बढ़ाना होता है। ट्रक्स हैं, अगर बहुत भारी ट्रक्स हैं तो उसमें और नंबर ऑफ टायर बढ़ाना पड़ता है क्योंकि छोटा एक कम टायर लगाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, फिर वो फट जाएगा क्योंकि उतना वेट अपॉन, सॉरी उतना मास, हाँ उतना वेट, क्योंकि उस केस में तो फोर्स अपॉन एरिया करना है, फोर्स इज वेट, तो वेट अपॉन एरिया हो रहा है। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताओ प्रेशर के। सर, हाँ सर, अगर हम फोर्स, हम मतलब फोर्स अगर सेम ही लगाए हाँ, लेकिन एरिया कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली फोर्स ज्यादा होएगा, फोर्स नहीं प्रेशर ज्यादा होएगा, हाँ प्रेशर ज्यादा होएगा, हाँ फोर्स उतना ही है, एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। एंड सर, अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, हाँ जैसे चाकू है, तुम सेम, अब सेम फोर्स से अगर सब्जी काटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दो टाइप के चाकू है, एक जो ब्लंट चाकू है शार्प नहीं है और दूसरा शार्प चाकू, तो ऑब्वियसली शार्प से जब हम सेम फोर्स लगाते हैं तो आसानी से कट जाता है ना, यस बढ़ गया प्रेशर, बढ़ गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है प्रेशर का बताओ, बोलते हो। सो व्हेन वी लाई ऑन अ बेड ऑफ नेल्स इट वोंट प्रिक और हर्ट अस बिकॉज़ द एरिया, व्हेन डू यू लाई ऑन द बेड ऑफ नेल्स मैन, कहां सोते हो तुम, जस्ट एन एग्जांपल, कम सोए, कभी सोए हो तुम बेड ऑफ नेल्स पे, तो ये कहां से एग्जांपल है, फिर बुक से आया ना, खुद के एग्जांपल दो, when we lie on bed of nails, कुछ जॉगिंग ट्रैक में एक एक्यूपंक्चर टाइप का रोड टाइप का होता है जहां पर आप चलते हो तो उधर दर्द होता है पैरों में, हाँ। और अगर तुम सर, हमारे बैक का जो स्ट्रैप होता है वो it's fat and not like thin, because then back के प्रेशर से because the strap की एरिया अगर कम होगी तो हमारे शोल्डर्स पे और दर्द होगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली एरिया उसका बढ़ा दिया, हाँ। If you make a pillow like out of a Lego, like out of Legos, and then if you compare to one Lego brick, and the one Lego brick would hurt more, हाँ, करेक्ट।
लेगो के ऊपर पैर रखाएगा कभी? लेगो के ऊपर दर्द दिया है वर्जो से. That is what he meant by lying on a bed of nails. A teacher gave us an example today. Or? So when you're standing on the shore of a beach with high heels, you'll go down, but in normal shoes, you won't. Correct. So if high heels wear, then only the heel pe pressure goes. अब मतलब हील पे फोर जा रहा है तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो वो अंदर घुस जाएगा. अभी क्योंकि सैंड का यूज किया तुमने एग्जांपल, तो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि जो सैंड में अगर गाड़ियां चलानी, तुम अगर रेगुलर रोड में गाड़ी चला रहे हो तो चलेगा क्योंकि वो रोड तो अंदर दब नहीं रही ना, इट कैन स्टिल विदस्टैंड योर वेट. बट अगर सैंड में तुम वही गाड़ी चलाओगे तो उसका टायर अंदर चला जाएगा. तो सैंड में गाड़ी चलाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे टैंक है, टैंक में क्या करते हैं, पूरा चेन बांध देते हैं अपने टायर पे. तो फिर वो सिर्फ टायर का एरिया नहीं है, पूरे चेन का एरिया आ रहा है, विच इज मोर एरिया. तो प्रेशर कम हो गया. हैव यू सीन टैंक? बर्फ, बर्फ में भी यही होता है. हाँ, बर्फ में भी यही होता है. एग्जैक्टली, अगर बर्फ में वैसा नहीं करेंगे तो फिर प्रेशर बन जाएगा, बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, आइस को क्रैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सर, कैमल्स कैन वॉक ऑन सैंड इजीली बिकॉज़ दे हैव अ वाइड फुट, सो इट इंक्रीजेस द एरिया. राइट, करेक्ट. कभी देखा है कैमल को? Yes, sir. मतलब असली में देखा, उसके फुट को देखा तुम? कहाँ? राजस्थान. नहीं नहीं, जयदीप ने दिया ना एग्जांपल, उससे I used to live in Qatar. You used to live in? Qatar. Okay. तो वहाँ क्या करते तुम कैमल के साथ? So that was a camel ride. So it was like in the desert kind. Okay. So you went for a ride. Interesting. Nice. और क्या एग्जांपल? बताओ. और क्या एग्जांपल हो सकता है प्रेशर का? कहाँ कहाँ पे वेट लगता है? सॉकर शूज. सॉकर शूज कैसे होते हैं? फुटबॉल सर, नीचे स्पाइक्स रहते हैं. क्यों क्यों रहते हैं सर? ताकि ग्रिप मिले. क्यों, ग्रिप कैसे मिल जाती है सर? एरिया कम हो जाता है तो वो ग्राउंड में थोड़ा घुस जाएगा ना. ग्राउंड में घुसेगा तो इट विल गिव इट वेरी गुड ग्रिप. यस सर. ओके. और सर, सिरिंज. सिरिंज, हाँ कैसे? वो